महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का महाविजय। महाराष्ट्र की सत्ता पर वापसी करने में कामयाब हुए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब तक के जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से प्रदेश के सीएम बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों के रुझान में बीजेपी शिवसेना को सत्ता मिलती दिखाई दे रही है। इस गठबंधन को फिलहाल 175 से 180 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहां बहुमत के लिए 145 सीटों की दरकार है। जाहिर है अगर सीटों में उतार चढ़ाव होता है तो फिर भी प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनना तय माना जा रहा है। हालांकि 21 अक्टूबर को चुनाव खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन के सत्ता में वापसी करने की भविष्यवाणी की गई थी। अब तक आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2014 के मुकाबले बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, जबकि शिवसेना अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करती नजर आ रही है। वहीं अगर प्रमुख विपक्षी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस एनसीपी के पक्ष में करीब 85 प्लस सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अब तक रुझान के मुताबिक कांग्रेस 39 और एनसीपी 50 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष के प्रदर्शन की तुलना पिछले साल के चुनाव से की जाए तो कांग्रेस को जहां नुकसान होता दिखाई दे रहा है वहां शरद पवार की पार्टी एनसीपी फायदे में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में बीजेपी ने 122 और शिवसेना ने 63 सीटें हासिल की थी। दोनों दलों ने चुनाव के बाद गठबंधन किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों का जो बंटवारा हुआ उसके मुताबिक शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी तो वहीं बाकी 164 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं। जहां तक कांग्रेस एनसीपी की बात है तो दोनों पार्टियों ने 125-125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।